लेकिन लोग शहने लोग शहने हो चुके हैं, इनको वोट नहीं देंगे, इनको वोट की चोट से जवाब देंगे। पंचायत पार्टी एक ऐसा आदमी है जो आपको समय जहर घोड़ती है और भाईचारा खत्म करने वाली पार्टी है। देखो नजा भूषण जी, उस जैसे जो चेयरमैन थे पहले अशोक कुछल जी, उसने जो हमारे कर 20 ले ले 25 ले ले, लेकिन हमने अगर एक में एक दो का हो तो भारत दिखाओ जी आप उसमें। नंबर एक बार तो जो पर्चा हो उसकी मान्यता ही नहीं थी, उसकी मान्यता नहीं है जी, नहीं कोई नहीं है जी। एक गदर कट्टर राज हो, जैसे कपूर साहब ने मेरे को दो बार बुलाया जी, कपूर साहब ने मेरे को दो बार बुलाया, मतलब एक बार तो बल्लू जमा जो, एक बार वहाँ बारंगवा जो, लेकिन हम समझ गए नेता लोग हैं वो दबाव बढ़ा रहे हैं, अगर तू बैठ जा क्योंकि वो बौखला चुके हैं, क्योंकि हमारी पोजिशन आज के टाइम में बढ़िया है। लेकिन जी कपूर साहब ने हमारे को बगैर पूछे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, हम उसके खिलाफ हैं और हमारे पास भी दबाव आ रहे हैं अगर आप इसका समर्थन दो। लेकिन जी हम आजाद चुनाव लड़ रहे हैं और आजादी लड़ेंगे, तो कपूर साहब ने धोखा दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मेरे पास आए, बोला भाई साहब पिछली बात पे बोल जाओ और मेरा साथ दो। हमने उसको साफ नाट दिया, भाई तू अपना चुनाव लड़, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत करता हूँ आपका, जो आप मेरे पास आए मेरी समस्या सुनने के लिए आए। जैसे जी हमारा संभाल का था, उसमें मोर्चा था और हम कपूर जी के साथ लग रहे थे, और जी हमारी पहले 21 आदमी की टीम थी, फिर 11 की, फिर 5 की बन गई लास्ट में। और जी जो कपूर साहब आवाज़ उठा रहे थे और हम भी आवाज़ उठा रहे थे शहरवासियों के लिए, लेकिन जी कपूर साहब ने हमारे को बगैर पूछे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, हम उसके खिलाफ हैं और हमारे पास भी दबाव आ रहे हैं अगर आप इसका समर्थन दो। लेकिन जी हम आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ादी लड़ेंगे और जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और हम जनता से धोखा नहीं देंगे जी। हम जो कपूर साहब ने धोखा दिया जी, और जो माफा पलेम लगाए जा रहे हैं अगर ना सेटिंग कर ली हो कर ली, ये सर बकवास है, ये एक जनता को गुमराह करने वाली बात है, हमारी पोजिशन डाउन करने की बात है। और जी कल भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मेरे पास आए, बोला भाई साहब पिछली बात पे बोल जाओ और मेरा साथ दो। हमने उसको साफ नाट दिया, भाई तू अपना चुनाव लड़, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपके भाव में आप जीतोगे, हमारे भाव में हम जीतेंगे, ठीक ये बात है। आप समिति में क्या थे और किसका दबाव रहा? जैसे कपूर साहब ने मेरे को दो बार बुला दी, कपूर साहब ने मेरे को दो बार बुलाया, मतलब एक बार तो बल्लू जमा जो, एक बार वहाँ पारंग माजो, लेकिन हम समझ गए आज अगर हम भी जाएंगे तो हमारे पर दबाव बढ़ेगा जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नेता लोग हैं वो दबाव बढ़ा रहे हैं, अगर तू बैठ जा क्योंकि वो बौखला चुके हैं, क्योंकि हमारी पोजिशन आज के टाइम में बढ़िया है जी। हम 4 वार्डों पर हैं जी, पहले हम 5 वार्ड से एमसी रहे, अब हमारी घरवाली एमसी है। और जी लोग कह रहे हैं पंडित जी हमारे को धोखा मत दिए, अगर तू बैठ गया तो हम तेरे को वार्ड में बनने भी देंगे, आपने खड़ा रहना है, आरचे जीतो। ये आपके जैसे कॉमरेड हैं, लाल झंडा उठा रहे हैं, एक संघर्ष बदल समिति भी है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और अभी इलेक्शन लड़ने 2005 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बने भी लड़ा था। किसने? एक ही वार्ड से, एक ही वार्ड से जी। हम उस टाइम 11 कैंडिडेट थे बाबू, मैं 3rd नंबर पर था, ये आया था जी 8वें पे जी, 11 वोट आई इसके, 11 वोट आई थी 2005 की पीपी कपूर की, 11 वोट आई थी, आप रिकॉर्ड कार्ड कटवा के देख सकते हो। 11 थे जी, इसका मकान ये था जी मेरे बैक साइड में। अभी जी हमारी जो मीटिंग हुई एक दिन, जो क्या बोला अक्ष शर्मा जी आप जल्दी आ जाओ और एक ले आना मेरे पास, ताकि जो मेरे जो सपोर्ट मेरे साथ जाग करते जो, बोला भाई मेरा आज ये होया है शहर से ये आवाज़ आ रही है अगर भाई चुनाव लड़ो आप कपूर साहब। हाँ जी हाँ, तो फिर जो मेरे साथी थे जो दौर में उसमें थे मीटिंग में, उन्होंने बोले कपूर साहब आपने जो मीटिंग में ये वादा करा था आपने, भाई ना मैं एमएलए इलेक्शन लड़ूंगा ना मैं एमपी इलेक्शन लड़ूंगा, और अब आप कह रहे भाई जेल मैंने लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे आपके प्रति, तो फिर थोड़ा मैं सोया, मैंने अपनी जबान से कहा अरे मैं खुद ले रहा हूँ, तो थोड़ा मैं महसूस कराया। फिर बोले मेरे से जय भगवान जी आप कैरी करो। हाँ जी पहले सब नहीं, हाँ जब जो मीटिंग है हमारी, जो मीटिंग में 5 आदमी थे सहमति, उसके साथ थे 2 मेरे साथ थे 3। खटास कैसे आ गया आप लोगों? हमने खटास ही करा दी,
हम तो साथ थे। अब सिर्फ ये खटखटा जी आज ही हमारे अंदर ये खसाट है, अब उन्होंने हमारे को कुछ है नहीं। कम से जो मालिक बाबू जी हमारा घर परिवार है, हम सदस्य हैं जी, आप मान ले पाँच आदमी चार आदमी, कम सलाह तो ले हमारे से। सुनो जी, नंबर एक बात तो जो बच्चा हो उसकी मान्यता ही नहीं थी, उसकी मान्यता नहीं है जी, है नहीं कोई रजिस्टर नहीं है जी, एक गद्र फिर राज्य दो ठीक। सच्चाई बाबू जी, कम से कम मान्यता प्राप्त हो उसकी ठीक, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है बाबू जी। और कुछ पत्रकारों को भी नोटिस दे रहे हैं उसके ऊपर, आप लोगों ने सच्चाई कही, आप लोगों ने सच्चाई उजागर करी, तो उनको आप लोगों मीडिया को भी सरकार बनाता रहा जी, यानी जब सच्चाई कहने तो कुछ धर्म धर्म राज बाबू जी, सच्चाई को दाब जा रहा है ये बाबू जी। मैं ये बात कर रहा हूँ, कहना चाहता मेरे मेरे पे कुछ आया पता क्या सच्चाई बाबू जी, क्यों सच्चाई को कोई सुनता ही नहीं। आप डरते नहीं, डरता नहीं बाबू जी, मैं जी एक दिन बनेगा एक दिन जीड़गा बाबू जी, एक दिन जीड़गा एक दिन बनेगा बाबू जी, हम नहीं डरते डरते बाबू जी, चाहे इसमें कोई नहीं होता। सच्चे कहेंगे बाबू जी, आजाद ही लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे बैठेंगे नहीं बाबू जी, हार चीत वो मेरे बाद में बाबू जी बैठेंगे नहीं बाबू। मैं जनता से जो उठ चुका हूँ मैं, अगर जनता क्या जवाब दूंगा, अगर मैं मान लो समर्थन देखता हूँ तो पहले वाली जो बातें आ रही हैं वही वही फिर बातें आएंगी। मैं 20 ले गया, 25 ले गया, ये कपूर साहब शुरू से बीजेपी के पक्ष में ले गया, हालात तो ऐसे बता रहे बाबू जी, एकदम जो झुकाव होया जी बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी के एमपी के खिलाफ झंडा उठा रहे आवाज कर रहा, और फिर ये एकदम शांत होना, तो उन्होंने तो दाल में काला है। आप उसके ऑफिस में कब गए? हफ्ता पहले की बात है, हफ्ता पहले ही उन्होंने पहले को बुलाया था बीजेपी को समर्थन कर। हाँ जी, फिर हम गोल्डन पारे में गए साहब देखे थे वहाँ पे समर्थन, उसके बाद फिर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कुछल के खिलाफ, फिर कुछल की ऑडियो कुछल के खिलाफ बोला मैं इसका पर्दाफाश करूँगा, पहले की बात है। ये जो उसको जो पर्दा फाश करने वाली बात थी, जिसने जो कोई आता भी तो उसका मुंह बंद किया गया बाबू जी, जो पर्दा साफ करने वाली बात थी भाई, मैं अगले दिन जाऊंगा वहां पर्दा साफ करूंगा, उससे पहले उसको सेट कर लिया जो उन्होंने, कैसे सेट हो गया ठीक है जी, आपसे बात पहले हो गई थी हां पूछल के खिलाफ, जो हमारी आप सेटिंग की बात कर रहे हैं, किस तरह की सेटिंग की आप बात कर रहे हैं ठीक बाबू जी, जैसे हम सुन रहे हैं जी, जो बाजार में बातें रही हैं, जो बाजार में बातें रही हैं सुन रहे हैं जी हम ठीक है जी, जो बातें सुन रहे हैं भाई ना ये लिया वो लिया जो खुद वो जाने, लेकिन जो बाजार में लोग कह रहे हैं अगर कपूर साहब बीजेपी के साथ मिल के कोई ना कुछ सेटिंग तो करी होगी। क्या कहना चाह रहे हैं कपूर ने जो है बीजेपी के जो चेयरमैन जो समर्थन दिया है बाबू जी ने, उसको दाल में काला कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं साहब, मैं नहीं ये जनता कह रही है बाबू जी, जनता कह रही है ठीक है जी, हम तो ये कह रहे हैं हमारे साथ भी धोखा कर उस मानस ने हमारे को यूज करे और हमारे साथ धोखा कर, जो हमारे जो पूछे भी नहीं और जो भी हमारे समझ में तो कोई मांगे नहीं मानी जी, कोई मांगे नहीं माननी है जी, क्या बताओ जी कौन सी बात माननी जी, वो खुद कुछ कुछ नहीं भरिया अपनी जेब से भरी है जी, बताओ जो कैंडिडेट है वो अपनी जेब से भर रहा है, मार्केट वाले ने कहा मेरे से मार्केट वाले से समर्थन के लिए गा दियो, बोला जी मैं इसकी भर्ती मिट्टी में करा 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 दूँ और आप मेरे समर्थन दो, और दुकानदारों ने लाइन को साफ नाट गया जी भाई, तू हमारे को मिट्टी का मत समझ, अगर तू ये मामले मिट्टी डाल दे और हम शांत एक गाड़ी में चार जने थे, कुछ अलग अलग गाड़ी में थे, कहाँ लेके गया थे कुछ साथ तो हम थे नहीं जब तो कुछ से अलग काम गए थे, हम तो थे नहीं, हम तो जी रमेश अग्रवाल के समर्थन में मित्र जो मित्र जी था, तब आप कहाँ घूमने गए, हम तो जी सिडी बाबा पे गए थे, मतलब वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे सारे ना जी, हम तो चार चार पाँच थे कौन कौन थे ठीक है जी, चार पाँच थे उसके साथ कौन 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 थे ठीक है, जो उसके उसके साथ थे कौन, नाम तो बताओ आपके साथ थे नाम, मैं तो रमेश बताएगा जी, मैं तो आप अपनी बता सकता हूँ, आप तो साथ थे ना चार लोग आपके साथ थे कौन कौन थे, फिर उसका बच्चा रहेगा काम नहीं चलिया अपना जो फेरो खेल पकड़ गया आपके साथ कौन कौन थे, उसमें जब आप सिडनी गए थे घूमने के लिए तो आपके साथ यार मैं साथ में दे रहा, वो मेरे पास दबाव बढ़ा रहा है जी, वो कपूर दबाव बढ़ा रहा है मेरे पर, तब तक तो आप लोगों का बात ही नहीं हुई थी कुछ बात इतनी दिया बीजेपी वो कर रहा था जी, हम नहीं कर रहे थे लेकिन वो हमारे को बता नहीं जी, जो उन्होंने समर्थन दिया वो हमारे से बगैर कुछ समर्थन दिया जी, मैं ये कह रहा हूँ आप समझ नहीं को ऐसा समर्थन देने से पहले और उच्छल से बातचीत होने से पहले भी मतलब उसने ऑडियो एक दी जो चली भी आपकी कि 20 लाख और 25 लाख में सौदा होते हुए उच्छल से बातचीत उच्छल की और आपकी हो गई है ठीक है, और वो वीडियो ऑडियो को लीक करने वाला उच्छल ने तो दे दी पीपी कपूर को, लेकिन पीपी कपूर ने मीडिया को दी उच्छल ने नहीं दी, उन्हें कुछ ना कुछ उस समय तो
संघर्ष मोर्चा में आप और वो इकट्ठे थे, उसने आपकी ऑडियो क्यों करी ये पूछ रहे हैं हम आपसे। वो तो लोग ना जी, जैसे मेरे को बुला रहा था मैं गया नहीं वहाँ पे, वो मेरे को बुला रहा था मैं वहाँ नहीं गया। आप चल रहे हैं बात ना, ये जो बुला रहा था ना वो तो एक दिन बाद बुला रहा है, इसलिए हम उम्मीदवार का विरोध नहीं करेंगे। नाना जी, बीजेपी ने आज जो बातें मानी वो पहले क्यों मानी, ये देखो ना जी आप, अब तो चुनाव है, चुनाव तक ये बातें माननी है, चुनाव के बाद जो उनकी कार्रवाई हो करेंगे जी। माटी वो जो खोद रखा है तो वैसे डक गया जी, ना क्यों वोट लेने के लिए जिनका, ये षड्यंत्र है बीजेपी पार्टी का, जो वह षड्यंत्र है बहन गौर राजी बोल कर चुप बोल कर अपना वोट ले। लेकिन लोग शहणे हैं जी, लोग शहणे हो चुके हैं, इनको वोट नहीं देंगे, इनको जी वोट की चोट से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा आज जो आपस में जहर घोलती है और भाईचारा खत्म करने वाली पार्टी है। किसने जी उन्हें ये देखो ना जी, उसमें जी वो जैसे जो चेयरमैन थे पहले अशोक कुछल जी, उसने जी वो हमारे को ये कह रहा है 20 ले ले 25 ले ले, लेकिन हमने अगर एक में एक भी कया हो या दो कया हो तो हमारा दिखाओ जी आप उसमें। वो सर आपने सिर्फ ये कहा था हमने पांच मान चाहिए बस, वो जो कह रहा है 20 ले ले 25 ले ले, अगर मैंने उसमें 20 कया हो या 5 कया हो 20 कया तो मेरा दिखाओ जी आप उसमें जी वीडियो जी। लीक क्यों करी? अब देखो जी देखो अभी हमारा जी, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भी लड़ रहे हैं बाबू जी, तो हमारे को करेगा जी। पीपी कपूर तो विरोधी नहीं था जब ये ऑडियो चली, तो कपूर साहब नहीं करी ना पीपी ना ना जा, वो रखी कुछ ले जी, वो कुछ ने तो पीपी कपूर को उपलब्ध कराई, लेकिन पीपी कपूर ने मीडिया को उपलब्ध, पीपी कपूर ने जी एक दिन पहले जो करी थी वो कुछ नहीं करी थी, 20 लाख वाली थी, तो 20 लाख जो समझौता करा था जो दूसरा कैंडिडेट हो रहे थे ठीक है जी, उस कारण का जो था जो कुछल है 1-1.5 साल पहले की बात है, जो लेडीज का मैटर था उसमें जी 1.5 साल जेल में रह आ गया जी, 20 लाख रुपये इसका था जिसमें जो समझ करने का क्वेश्चन ये है पीपू ने कर रखी जी, वो कर रखी जी कुछल है जी, सारे विवाद से पहले वो ऑडियो क्यों लिखी, आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा था क्या दिक्कत था वो पूछ रहे हैं। मेरे पे जी बीजेपी पार्टी वाला दबाव था कि भाई आप हमारा साथ दो, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो ठीक है जी, हमने पार्टी ज्वाइन नहीं करी, हमारे फिर दबाव बनाने बात हुई है जी, हमने अमुष्य साहब नायट गया जी, तो फिर उन्होंने बोले हम तेरा ये करते हो करते क्या क्या जो मेरे को खत्म भी करवा दे। जय भगवान जी, पीपी कपूर ने ऑडियो लीक क्यों करी आपकी, मोटा मोटा क्वेश्चन ये है हमारा। उस टाइम तो संघर्ष मोर्चा एक ही था आपका, उस टाइम तो समाजी एक जगह आप बिल्कुल साथ थे, एक ही हाथ के लोग थे, लेकिन ऑडियो वायरल होना आखिर क्या कारण है, वो ऑडियो क्यों वायरल हुई और उस ऑडियो के माध्यम से आप क्या समझते हैं, क्या उस ऑडियो में है, कितनी उस ऑडियो में सच्चाई है बताइए। सच्चाई नहीं उसमें, सिर्फ झूठ है जी, अगर मैंने उसमें वीडियो देखे हो आप ना, अगर मैंने उसमें 5 लाख 10 लाख अगर कहे हो तो बताओ आप, दिखाओ उसमें जी मेरे। आप क्यों तो आप कह रहे हैं उससे कहा गया जय भगवान का नाम लिया गया उसमें 25 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, वो खुद कह रहे हैं ना जी, कुछ खुद कह रहे हैं 10 ले ले 20 ले ले 25 ले ले, मैंने तो नहीं कहा जी, किसलिए दे रहे हैं, मेरे सपोर्ट करो आप, मेरी वो मेरे से सपोर्ट मांग रहे थे जी आप, लेकिन ऑडियो पीपी कपूर ने आपके खिलाफ लीक क्यों करी, कपूर मेरे पर दबाव बना रहा जी, आप मैं समझ गए मुझे क्या कह रहा, कपूर मेरे पर दबाव बना रहा, मैं तू मेरे साथ आ मैं उसके साथ नहीं रहा जी, तो फिर तो कुछ करेगा जो मेरे खिलाफ है, समर्थन भी तो कर रहे थे कपूर साहब, समर्थन कर रहे थे जी, लेकिन मैं जब वो मेरे पर दबाव बनाएगा मैं उसका बात नहीं मानूंगा तो कुछ तो करेगा जी, किस चीज़ का दबाव, मैं तू मेरे साथ आ जाए समर्थन दे, समर्थन तो 2 दिन बाद की बात हुई है ना, समझ नहीं बात, समर्थन तो 2 दिन बाद की बात चली।